सीरियल मेघा बरसे में आप सभी ने देखा है कि सोनम की शादी टूटने के बाद लोग कितने इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन तलवार सोनम से आकर बात करता और कहता कि आपको FIR लिखवाना होगा, लेकिन यहाँ पर सोनम का परिवार ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर अर्जुन तलवार गुस्से में आता और कहता है कि अगर FIR उस बंदे के खिलाफ नहीं लिखवाया जाएगा तो हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और वो आदमी छूट जाएगा और फिर वो किसी और की जिंदगी बर्बाद करेगा। यहाँ पर अब आपको बता दें कि मेघा जो है वो कहती है अर्जुन तलवार से कि आप किस तरीके से मेरी दोस्त से बात कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन कहता है कि मैं बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ और आप समझाइए अपनी दोस्त को कोई FIR लिखे। यहाँ पर आपको बताते चले कि हम मेघा कहती है कि मुझे मालूम है आप किस तरीके के इंसान हैं, आप में ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 7 साल पहले मैंने पुलिस दिवस के दिन देख लिया था आपको। यहाँ पर अर्जुन सोचने लगता है कि 7 साल पहले क्या हुआ था। वेल, इसके साथ ही साथ अब जब अर्जुन तलवार मेघा के घर आता है तो उसे चलता है कि मेघा की शादी मनोज से ठीक हो गई है और दोनों की शादी जो है जल्द ही होने वाली है। यहाँ पर अब जो है अर्जुन तलवार मनोज की पूरी कुंडली मांगता और कहता है कि एक दिन दीजिए, मैं इसके बारे में सब पता कर लूंगा कि ये NRI लड़का जॉर्जिया में रहता तो है लेकिन क्या काम करता है, कैसा है, क्या है, मैं सारी कुंडली निकाल लूंगा। तो वहीं दूसरी ओर अब जो है मनोज के मम्मी पापा आए हुए और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चों की शादी हो जानी चाहिए क्योंकि मेरे बेटे को जॉर्जिया भी निकलना है, शादी हो जाएगी तो सही रहेगा। ऐसे में अब सगाई हो रही है। जैसे ही अंगूठी पहनाने वाला मनोज होता है कि एक फोन कॉल बजता है और वो फोन कॉल लेकर जो है मनोज चला जाता है और अंगूठी वहीं छोड़ देता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर किसका फोन कॉल था जिसकी वजह से वो अंगूठी वहीं छोड़ दिया है। और यहाँ पर अर्जुन तलवार भी मनोज के बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन क्या पता करते करते इतना लेट हो जाएगा कि यहाँ मेघा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।